All of you, today we will explore chapter 7 frigid zone of class 5. हम आज इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो कि आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फ्रीजिड जोन, फ्रीज मतलब क्या होता है? ठंडा. सो ऐसे जोन्स जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, फ्रीज होते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है. तो अर्थ पे, पूरे अगर हम अर्थ देखें तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बहुत ठंडा एरिया रहता है? सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में 66.5 degrees नॉर्थ एंड 66.5 degrees साउथ. आर्कटिक जोन पे जो जगह होती है उसे हम कहते हैं फ्रीजिड जोन. जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा आप ग्लोब पे देख सकते हैं, हियर इट इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल. सो नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ पोल से 66.5 degrees के बीच का ये जो प्लेस है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ द वाइट इन द कलर. सो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं फ्रीजिड जोन्स. ये फ्रीजिड जोन्स क्यों होती हैं? क्योंकि जैसा आप इस वीडियो पे देख सकते हैं कि सन की जो लाइट होती है, ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो पे देखा था कि यहाँ डिजर्ट्स जोन होती हैं क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली आती है, यहाँ हॉट डिजर्ट्स जोन होते हैं. सो यहाँ क्या होता है, यहाँ बेसिकली क्योंकि सनलाइट यहाँ पे बहुत कम पड़ती है, और सनलाइट कैसे आ रही है आप देख सकते हैं, बैंड होके आ रही है. दैट्स वाई इट इज़ यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्टली नहीं आ पाती है, इसलिए ये फ्रीजिड जोन हो जाता है, ठंडा जगह हो जाती है. सो लाई कहाँ करती है? इट विल बी बेटर इफ़ यू विल ड्रॉ विद द ग्लोब. अगर आप ग्लोब से किसी भी जगह को दिखाते हैं तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. तो ग्लोब पे इस तरह से आप फ्रीजिड जोन्स को दिखा सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल की जगह पे. आर्कटिक सर्कल कहाँ है? 66.5 degrees नॉर्थ इज़ द आर्कटिक सर्कल. तो ये जो जगह हो गई, ये पर्टिकुलर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एज द फ्रीजिड जोन. सिमिलरली साउथ जोन पे कहाँ पे आती है? साउथ जोन पे अगर हम देखेंगे तो अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में जो जगह होती है वो होती है फ्रीजिड जोन ऑन द साउथ जोन. सो ये हमने लोकेशन को देखा कि किस लोकेशन पे फ्रीजिड जोन्स होते हैं. लेट्स एक्सप्लोर अबाउट द एरिया कवर्ड बाय द फ्रीजिड जोन. सो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो फ्रीजिड जोन कवर करती है? सो फ्रीजिड जोन, मोस्ट ऑफ फ्रीजिड जोन्स जो है वो कनेक्टेड विद द स्नो. जैसा कि आप देख सकते हैं बुक पे भी ये दिया हुआ है कि जितने भी फ्रीजिड जोन हैं, बहुत सारे फ्रीजिड जोन स्नो से ही कवर्ड रहते हैं. अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. जो फ्रीजिड जोन के अंदर आती है, साउथ फ्रीजिड जोन में जो अंटार्कटिका है वो सबसे क्लोजेस्ट जोन है अर्थ की. अप्रॉक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो 98% ऑफ लैंड यहाँ आइस के साथ में कवर्ड है. मीन्स 2% ही ऐसी लैंड है यहाँ पे जो कि नॉर्मल लैंड होंगी, बाकी सारी लैंड यहाँ पे आइस के साथ में, बाकी सारी जो 2% लैंड है वो बैरन रॉक्स के साथ में कवर्ड है. एरिया कौन से आते हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, साइबेरिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप. ये ऐसे जोन्स हैं जो नॉर्थ फ्रीजिड जोन्स पे आते हैं. सो इंटायर अगर हम देखें तो इंटायर सारा पूरा कंप्लीट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का जो है वो साउथ फ्रीजिड जोन्स पे आता है. क्लाइमेट्स कैसी होती है यहाँ पे? क्लाइमेट मीन्स अगेन हम बात करेंगे कि यहाँ पे रेनिंग कैसी होती है, एयर्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर्स कैसा होता है. तो फ्रीजिड जोन्स पे विंटर के टाइम पे टेम्परेचर चला जाता है -40 degrees. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 0 degrees पे वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस पे. तो आप खुद सोचिए कि 0 degrees पे अगर आइस बनता है तो -40 degrees कितना कम टेम्परेचर होता है, होगा कितनी ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया होती होगी. और ये जो टेम्परेचर है ये हमेशा यहाँ हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से, फ्रीज़र का जो पॉइंट होता है जिस पे बर्फ़ पानी बर्फ़ बनता है, उससे हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर कम होती है. और हमेशा यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है. ये जो ठंडी हवाएं चलती है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, चिल्ड कोल्ड विंड, इसे हम कहते हैं बिजार्ड्स. तो ये भी आपके क्वेश्चन में, बुक में पूछा भी गया है, बिजार्ड्स आर द कोल्ड चिल्ड कोल्ड विंड्स which has blowed on the frigid zone. यहाँ जो समर का सीज़न होता है वो ओनली और ओनली 2 or 3 months के लिए होते हैं. इस टाइम पे टेम्परेचर्स यहाँ पे 3 degrees to 12 degrees पे होते हैं. जो हमारे अगर नॉर्मल जोन पे जहाँ हम रहते हैं, अगर बात करें इंडिया की नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 3 degrees तक भी मोस्ट किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट पे 3 degrees तक इंडिया का टेम्परेचर नहीं जाता है. तो सोचिए आप हमारी यहाँ पे जो ठंड का मौसम होता है इंडिया पे, उससे भी ज़्यादा ठंडी वहाँ पे गर्मी के समय में होती है, 3 degrees to 12 degrees. एंड 15 to 30 centimeters ऑफ रेनफॉल होती है. ईयर्स की कितनी रेनफॉल होती है वहाँ पे? 15
डिग्री 15 to 30 सेंटीमीटर रेनफॉल इस जगह पे होती है। साउथ पोल जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे वाइल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का, सबसे ज़्यादा सूखा प्लेस जो पूरे अर्थ का है वो है साउथ पोल। और सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर जो वहाँ रिकॉर्ड किया गया है वो है -88 degrees centigrade ऑफ द वॉस्टॉक स्टेशन इन द अंटार्कटिका। -88 degrees centigrade मीन्स सर्वाइविंग कंडीशन वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। प्लांट लाइफ, अगर प्लांट लाइफ की हम बात करें तो यहाँ पे वही प्लांट्स हो सकते हैं, वहाँ यहाँ पे वही ट्रीज और पेड़ हो सकते हैं, यहाँ पे वही प्लांट्स रह सकते हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करें। समर टाइम में हमने देखा कि टेम्परेचर फ्रीजिड जोन का 3 degrees to 12 degrees होता है, सो मोस्ट ऑफ जो आइस होती है वो फ्रीजिड जोन की मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है समर के ड्यूरेशन पे, और इसी से ही यहाँ पे प्लांट्स निकल आते हैं, लाइक प्लांट्स लाइक मोसेस, लिवरवोर्ट, लाइचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस। ये सारे कॉमन प्लांट्स हैं जो कि इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि लो टेम्परेचर पे रह सकते हैं और डिहाइड्रेशन, बहुत ही कम वाटर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वाटर हमने देखा कि फ्रीजिड जोन पे किस पे कन्वर्ट रहता है, बेसिकली इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू आइस। जो ग्रास यहाँ पे मिलती है वो है अंटार्कटिक हेयर ग्रास एंड द अंटार्कटिक पर्ल वॉट, जो साउथ ओकरनी आइसलैंड पे यहाँ पे मिलती है। साउथ जो आइसलैंड है वो वेस्टर्न पार्ट पे आता है अंटार्कटिका के पेनिनसुला पे, एंड यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, देयर इज़ नो फॉरेस्ट इन द फ्रीजिड जोन। जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे समर के समय में, जैसा हमने देखा, तो जो ट्रीज़ होते हैं यहाँ वो हैं, प्लांट्स होते हैं वो हैं ब्लूबेरीज, कैनबेरीज एंड वाइल्ड करंट। ये सारे मेन ट्रीज़ हैं जो प्लांट्स हैं जो कि फ्रीजिड जोन पे हमें मिलते हैं। एनिमल लाइफ, द लाइफ ऑफ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स अंटार्कटिक रीजन पे, आर्कटिक रीजन्स पे मिलती है, कुछ स्नोनी ओल्स हैं जो इस रीजन्स पे मिलते हैं, रेंडियर एंड द कैरिबाउ एंड हेयर एंड एरमाइन, पोलर बियर, मस्क ऑक्स, सील, वेल, वॉलरस एंड वोल्फ लाइक डॉग कॉल्ड हस्कीज। यहाँ पे जो डॉग होते हैं वो बिल्कुल वोल्फ, जिस तरह से वोल्फ दिखते हैं उस तरह के यहाँ के डॉग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हस्कीज। ये मिलते हैं नॉर्थ फ्रीजिड जोन्स पे। ये जो डॉग होते हैं हस्कीज वो यूज़ किए जाते हैं हंटिंग के लिए और पुलिंग के लिए, लाइक पुलिंग स्लेजेस ऑफ द पेंगुइन, फिश, सील एंड क्रेल। सो ये भी अंटार्कटिका में मिलते हैं। तो ये हस्कीज हम किसे कहते हैं, तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हस्कीज वुल्फ लाइक डॉग फाउंड इन द नॉर्थ फ्रीजिड जोन आर्कटिक, इट इज़ कॉल्ड द हस्कीज। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ यहाँ पे अगर हम फ्रीजिड जोन की बात करें तो बहुत ही मुश्किल होती है, और बहुत मुश्किल होने के कारण ही बहुत ही कम होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती है वहाँ। बेसिकली लोग इसीलिए ही वहाँ डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फियर, और वहाँ के अगर हम देखेंगे तो इन्यूइट्स, जिसे हम एस्किमोज भी कहते हैं, वो नेटिव्स होते हैं ग्रीनलैंड की, जिन्होंने इस हार्श एटमॉस्फियर, हार्श क्लाइमेट पे रहने को सरवाइव कर लिया है। वो शॉर्ट हाइट के होते हैं एंड दे आर स्टाउट पीपल, वो उनके फेसेस फ्लैट होते हैं और आइज, जो आँखें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उनकी स्किन कॉपर येलो कलर की होती है। नॉर्थ फ्रीजिड जोन में एस्किमोज जो होती हैं, एस्किमो कौन होते हैं, एस्किमो जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्यूइट्स और एस्किमो। ये लोग, उनका हाउस अगर हम देखेंगे तो वो लोग स्नो से ही, स्नो ब्लॉक से ही अपने हाउस को बनाते हैं, इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इग्लू। ये जो हाउस होता है वो स्नो के, बर्फ़ से ही बनाते हैं, फ्लोर्स पे वो एनिमल्स की स्किन को यहाँ पे रख देते हैं ताकि उनको ये जो हाउस होता है वो गर्म रह सके, और यहाँ के जो लोग रहते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, और टोटली वो एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं। अंटार्कटिका पे बेसिकली, आर्कटिक रीजन्स पे तो लाइफ होती है, लेकिन अंटार्कटिका पे पॉसिबल ही नहीं है लाइफ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस होता है। लोग अंटार्कटिका विजिट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ रहना पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। 4,000 अप्रॉक्स विजिटर्स जाते हैं अंटार्कटिका पे, जो वहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं केवल उस प्लेस पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन लाइफ इन द फ्रीजिड जोन।
देन फूड, फूड खाने के लिए वो लोग बेसिकली ये जो इन्यूइट्स होते हैं, इन्यूइट्स कौन है, एस्किमोज, जो वहाँ पे प्रॉपरली फ्रीजड जोन पे आर्कटिक रीजन्स पे जो लोग रहते हैं, पहले वो लोग हरपून्स का यूज़ करते थे पीपल एनिमल्स को हंट करने के लिए, क्योंकि जैसा हमने देखा कि यहाँ के सभी लोग एनिमल पे ही डिपेंड करते हैं। ये जो हरपून्स होते हैं बेसिकली ये रोप अटैच होती है इससे, और एस्किमोज जो होते हैं वो उसमें एक होल बना देते हैं स्नो, जिससे कि वो स्नो पे भी फिश को और अपने प्रे को वहाँ पे हर्ट कर सके। एंड जो इन्यूइट्स हैं वो बोट्स को यूज़ करते हैं हमेशा हंटिंग के लिए, और इस बोट्स को बोलते हैं कायाक्स। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे आ सकता है, व्हाट आर द कायाक्स? कायाक्स आर द बोट विच इज़ यूज्ड बाय इन्यूइट्स फॉर द हंटिंग, वेल की हंटिंग के लिए बेसिकली वो लोग जो यूज़ करते हैं ब्रॉड बोट, उसे ही कहते हैं हम उमियाक। एंड वहाँ जो लोग होते हैं वो मेनली मीट ऑफ सील्स एंड रेंडियर, रेंडियर और सील्स के जो मीट होते हैं वो स्किन्स होते हैं, स्किन्स को, स्किन्स के वो बोट बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं या टेंट्स बनाते हैं, और उनकी जो मीट होती है वो उसे खाते हैं, क्लॉथ्स। अगर हम इन्यूइट्स की बात करें, उन लोगों की बात करें जो फ्रीजड जोन्स पे रहते हैं, सो वो सभी लोग वहाँ पे जैकेट्स पहनते हैं हुड के साथ में। हुडिंग किसे कहते हैं हम, जैसा आप देख सकते हैं इट इज़ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, कैप के साथ में जो जैकेट होता है उसे हम कहते हैं हुड्स। सो दे आर यूजिंग द जैकेट्स विद द हुड्स लाइंड विद द फर, वहाँ हमेशा वहाँ के जो कपड़े बनते हैं वो फर के बनते हैं, और वो लॉन्ग बूट्स पहनते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, ग्लोव साथ ही साथ लेगिंग्स, जो उनकी लेगिंग्स होती है वो बहुत ही गर्म रहती है, स्पेशल जैकेट्स भी वो पहनते हैं जिसे कहते हैं पार्का। पार्का इज़ अ जैकेट जो कि क्लॉथ से बना होता है, जिसमें फर और एनिमल्स की सिल्क की स्किन्स होती है, रेंडियर और अदर पोलर एनिमल्स की स्किन्स होती है। सो दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन लाइफ इन द फ्रीजड जोन। द केस, एक केस स्टडी भी आपके में दी हुई है ऑफ ग्रीनलैंड। केस स्टडी वो होता है जब कभी आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि क्या अच्छी चीज़ें हैं वहाँ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पूरे इंसिडेंट को डिफाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो ग्रीनलैंड के बारे में यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिका ओशियन, अटलांटिक ओशियंस पे ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइसलैंड है वर्ल्ड का जो लोकेटेड है। यहाँ 2/3 से भी ज़्यादा आइसलैंड्स जो है वो आर्कटिक फ्रीजड रोजोन के अंतर्गत आती है। यहाँ क्लाइमेट अगर हम देखें तो एक्सट्रीम कोल्ड होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स। जो एस्किमोज और इन्यूइट्स हैं जो यहाँ रहते हैं वो मेन डिपेंड करते हैं हंटिंग और फिशिंग के, रेंडियर्स और फिशेस के। उनके जो हाउस होते हैं वो आइस से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इग्लू। विंटर के टाइम में वो लोग वुडन के टेंट्स भी बनाते हैं, एंड वो फिश और फर को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं फिश एंड फर को। कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज़ नुक विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 11,000। जो ग्रीनलैंड की कैपिटल है वो नुक है, वो जिसकी पॉपुलेशन है 11,000। और यहाँ ये जो सिटी है वो ट्रांसपोर्टेशन के वाया बहुत डेवलप्ड है, यहाँ एयरपोर्ट भी है। नाउ चेंजेस इन द लाइफस्टाइल। सो आज की डेट में फ्रोजन रीजन्स पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द थिंग्स। सो और लोग जो हैं वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप एंड विलेजेस, टाउन्स, ये सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। अब लोग वहाँ पे रीच कर पा रहे हैं फ्रीजड जोन्स पे। कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है 14 ईयर्स तक, तो वो लोग बाकी, जैसे आपने देखा कि फ्रीजड जोन बाकी लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी के कारण बाकी सभी लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं फ्रीजड जोन के एरिया से भी। और जो लोग फ्रीजड जोन्स पे रहते हैं वो बेसिकली एक मोटराइज्ड स्लेज का कॉल यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं स्काईडूस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, स्काईडूस का, और मोटर बोट्स का भी यूज़ करते हैं वो हंटिंग और फिशिंग के लिए। टेक्नोलॉजी ने इनकी जो सिटीज़ है, जो आर्कटिक रीजन की सिटीज़ है, अंटार्कटिक रीजन्स की जो सिटीज़ है जहाँ पॉपुलेशंस है, उसे कनेक्ट कर दिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। सो दस वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द चैप्टर 7 फ्रीजड जोन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।